हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए जो अभी लेटेस्ट अपडेट आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है, प्लस उनके जो ऑफिस ऑर्डर है, उन सब रिलेटेड जो भी अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स की, जिसमें कि बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए, CGHS के लिए, ECHS यूज़र्स के लिए, बाकी एयर इंडिया की जो LTC जो लेटेस्ट फेयर है, उन सब से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, CGHS। तो जिन लोगों ने CGHS की फैसिलिटी ले रखी है, अभी बेसिकली CGHS ने अपनी फैसिलिटी को एक्सटेंड किया है। अब जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी जो है CGHS की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और जो 13/3/2019 को ऑलरेडी ऑफिस मेमोरेंडम आ चुका है उससे रिलेटेड नई गाइडलाइंस लिखी हुई है, जिसमें कहा गया है कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ KVS हु वॉज हैविंग CGHS कार्ड वाइल इन सर्विस, जिनको कि सर्विस के दौरान जिनके पास CGHS कार्ड था और वो ऐसी जगह पर रिजाइड कर रहे हैं जहाँ जो कि CGHS के अंदर आता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दे कैन ऑप्ट फॉर CGHS फैसिलिटीज। जो रिटायर्ड लोग हैं KVS के, दे कैन ऑप्ट फॉर CGHS फैसिलिटीज, जिसमें कि उनको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, उसके साथ में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो करना पड़ेगा टू द कंसर्न पेंशन सेंक्शन अथॉरिटी विच वॉज रिलीज्ड हिज पेंशनरी बेनिफिट। जहाँ से उनको अपना पेंशनरी बेनिफिट्स मिलता है वहाँ पे उनको सबमिट करना पड़ेगा, और एज़ पर 7 CPC द रिवाइज मंथली सब्सक्रिप्शन एज डिसाइडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, उसके अकॉर्डिंग जो है लेवल 1 टू 5 है उनको जो है पर मंथ 250, लेवल 6 पे जो है 450, लेवल 7 टू 11 जो है उनको 650, और 12 लेवल से ऊपर जो है 1,000 रुपये तक देना है, 1,000 रुपये देना है। तो दोस्तों, ये था CGHS की जो एग्जिस्टिंग KVS के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको जो है रिटायरमेंट के बाद भी ये बेनिफिट मिलेगा, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्लस लेवल के बारे में बताया गया है। दूसरा अपडेट दोस्तों, अभी जो एयर इंडिया का जो फेयर लिस्ट बताया गया है, जो कि मई 2019 से लागू किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस पे जो आपको LTC की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी। नॉर्मल जैसे बताया गया है कि अगर आप आगरा टू दिल्ली जाते हैं तो 8750 इकोनॉमी क्लास में, और 17880 तक का जो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। तो एयर इंडिया ने पूरा का पूरा फेयर लिस्ट निकाल दिया है, और जो लोग भी LTC में जाने के लिए सोच रहे हैं या उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर इस लिस्ट को देखें, उसके बाद से उसमें अप्लाई करें, जिससे कि उनको जो है प्रॉपर जो है जो बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है DA फॉर बैंक एम्प्लॉयज़। अभी जो है मई टू जुलाई DA घोषित कर दिया गया है, और जिसमें कहा गया है कि बेसिकली क्या है कि डेयरनेस अलाउंस फॉर वर्कमैन एंड ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ इन बैंक्स फ्रॉम मंथ मई जून और जुलाई, उसमें बताया गया है कि बेसिकली द एवरेज CPI ऑफ द अबव। अभी बेसिकली क्या है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 1960 है मार्च 2019 का, और जनवरी फरवरी मार्च का अगर हम एवरेज निकालें तो वो अबाउट 7023 जाता है, जिसके हिसाब से जो है अभी जो इनका DA जो है डिसाइड किया गया मई जून, शैल बी 64.50% ऑफ द पे। बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए कंज्यूमर इंडेक्स का जो नंबर आया है जनवरी फरवरी मार्च का डिवाइड करने के बाद से, जो 6.45 का स्लैब बनता है, और 6.45 स्लैब के अंदर जो अभी DA जो एप्लीकेबल हुआ है वो है 64.50, और 64.50 जो है एग्जिस्टिंग पे जो है ना उसका 64.50 जो है DA मिलेगा। तो दोस्तों, ये था बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए DA, जो कि 64.50 जो है पे का मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 3 अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।